या सीआरटी। सीआरटी मीन्स कैथोड रे ट्यूब। द सीआरटी इज अ डिजिटल स्क्रीन विच प्रोड्यूस डिजिटल इमेजेस इन द फॉर्म ऑफ वीडियो सिग्नल। सीआरटी एक डिजिटल स्क्रीन होती है जो कि डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में वीडियो सिग्नल को प्रोड्यूस करती है एक डिजिटल स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ वैक्यूम ट्यूब विच डिस्प्ले इमेज व्हेन द इलेक्ट्रॉन बीम थ्रू इलेक्ट्रॉन गन आर स्ट्राइक ऑन फॉस्फोरन सरफेस। ये एक वैक्यूम ट्यूब टाइप एलिमेंट है, ठीक है, जिसपे क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन गन से हम एक इलेक्ट्रॉन बीम बना के उसे फॉस्फोरेट स्क्रीन पे स्ट्राइक कराते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक इमेज की फॉर्मेशन होती है। इसको हम अभी आगे ध्यान से और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अगर हम और अच्छे से बताएं तो क्या है, द सीआरटी जनरेट द बीम। सीआरटी एक बीम जनरेट करती है, एक इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करती है जो कि एक्सिलरेट करती है हाई वेलोसिटी पे, ठीक है, और डिफ्लेक्ट करती है क्रिएट करने के लिए विजिबल इमेजेस को, किस चीज के ऊपर, फॉस्फोरस स्क्रीन के ऊपर। ध्यान से देखेंगे आगे, ये है सीआरटी का ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम नहीं सॉरी स्ट्रक्चरल डायग्राम, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, अब मैं इसको आपको वन बाय वन इसको बताता हूं। ये जो पिंस हैं, हम अपने लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो पिंस हैं, ये पिन हम अप्लाई करते हैं टू यूज करते हैं टू अप्लाई द वोल्टेज। हमें वोल्टेज अप्लाई करना है इसको ऑन करने के लिए, हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करने के लिए पिंस का यूज करते हैं। इन दोनों टर्मिनल के बीच में हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, हमारा कैथोड है, इस कैथोड, ये कैथोड क्या होता है, ये हीटर से कनेक्ट है, ये बेसिकली हीटर है कैथोड के साथ। एक हीटर से, हीटर को जैसी सप्लाई मिलती है कैथोड को, वो हीट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही कैथोड हीट होता है, कैथोड हीट होने के बाद क्या करता है, यहाँ पे एक ग्रिड आपको दिखाई दे रही है, ग्रिड, ठीक है, ये ग्रिड है। इस ग्रिड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ने लगती है, क्योंकि जब हमारा कैथोड हीटअप होता है तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ग्रिड के अक्रॉस हमारी बढ़ती चली जाती है। अब ये ग्रिड के बीच में जो आप देख रहे हैं, जहां से ये पहला एरो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बीच में जगह है इसे बोलते हैं स्लिट। स्लिट वो जगह होती है जहां से कि इलेक्ट्रॉन बीम हमारी रिलीज होती है, निकलना स्टार्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन बीम की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉन हमारे बीम की फॉर्म में निकलने स्टार्ट हुए यहां से, ठीक है। उसके बाद आप ये प्लेट्स देख रहे हैं, इसे बोलते हैं, सबसे पहले वाली प्लेट को बोलते हैं प्री एक्सेलरेटिंग एनोड। यानी कि ये जो एनोड है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये इस बीम को ना तो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे ना ही नीचे की तरफ करेंगे, क्योंकि दोनों के अक्रॉस चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज वो सेम है। तो क्या होगा, जब सेम चार्ज होगा और बीच में से नेगेटिव पल्स जा रही होगी तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगी और तेजी से रिफ्लेक्ट होगी और क्या होगा, बहुत उसका एक्सिलरेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, प्री एक्सिलरेटिंग एनोड। फिर दूसरी हमारी है फोकसिंग एनोड। अगर हमें इस बीम को फोकस करना है, ये आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर की फॉस्फोरस स्क्रीन के ऊपर ही हमें टारगेट करना है इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस बीम को अगर हमें फोकस करना है इस स्क्रीन पे ऊपर या नीचे कहीं पे, तो इस एनोड की यूज से हम इसको फोकस कर सकते हैं। यानी कि अगर एनोड का कोई टर्मिनल हम पॉजिटिव कर देंगे तो ये बीम उसकी तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट होगी, और वो अगर मान लीजिए नीचे वाला हमने पॉजिटिव कर दिया तो क्या होगा, बीम नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगी और आपकी बीम क्या होगी, ये स्ट्रेट ना जाके नीचे की तरफ डाइवर्स हो जाएगी। ऐसे अगर हमने ऊपर वाले को ज्यादा पॉजिटिव कर दिया तो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होगी और ऊपर जाके ये डाइवर्स हो जाएगी। तो इस बीम को हम बेंड कर सकते हैं इस स्क्रीन के ऊपर कहीं भी बाय द यूज ऑफ दिस फोकसिंग एनोड। फोकसिंग एनोड पे जब हम इसे बेंड करेंगे तो जब भी हम कोई चीज को टर्न कराते हैं या बेंड कराते हैं कोई मोशन वाली चीज को, तो क्या होता है, उसकी एक्सिलरेशन कम हो जाती है, तो हमें इसे दोबारा एक्सिलरेट करना पड़ेगा। तो फिर से एक्सिलरेट करने के लिए हमारे पास फिर से एक्सिलरेटिंग एनोड आएगी। इसका भी काम वैसे ही है जैसे प्री एक्सिलरेटिंग एनोड का था। इसके बाद हमारा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट के बीच में से ये निकलता हुआ, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट के बीच में से होता हुआ ये स्ट्राइक करेगा कहां पे जाके, फॉस्फोरस स्क्रीन के ऊपर। फॉस्फोरस स्क्रीन पे जैसे ही स्ट्राइक करेगा वहां पे एक स्पॉट क्रिएट हो जाएगा। स्पॉट क्रिएट होने पे क्या होगा, वो स्पॉट से हमें एक्नॉलेज हो जाएगा कि जो हमारा सीआरओ है, वो हमारा जो सीआरटी है सॉरी, ये हमारा बिल्कुल सही ढंग से काम कर रहा है, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, इनका काम क्या है, इस पे हम सिग्नल को अप्लाई करते हैं, वो सिग्नल इस बीम के ऊपर सुपर इम्पोज होता है और हमें फॉस्फोरस स्क्रीन के ऊपर दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद एक ये हमारी एक्वा डेक कोटिंग है। एक्वा डेक कोटिंग का काम क्या होता है, ये जो हमारी हाई इंटेंसिटी की जो रेड हॉट बीम जा रही होती है, इससे अगर हम नेकेड आइस से देखेंगे तो हमारी आइस को नुकसान पहुंच सकता है। तो हम इसके ऊपर क्या करते हैं, इस टॉर्च के ऊपर, ये बेसिकली टॉर्च की फॉर्म में है, इस टॉर्च के अंदर हम एक कोटिंग कर देते हैं जिसे हम बोलते हैं एक्वा डेक कोटिंग। इस एक्वा डेक कोटिंग से हम इसे नेकेड आइस से देखने से बच जाते हैं।
तो वर्किंग देख लेंगे एक बार फिर से दोबारा. व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज इंजेक्टेड थ्रू इलेक्ट्रॉन गन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन गन से इंजेक्ट किए जाते हैं, इट पास थ्रू द कंट्रोल ग्रिड, यानी कि वो कंट्रोल ग्रिड में सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाते हैं. द कंट्रोल ग्रिड कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन वैक्यूम ट्यूब. कंट्रोल ग्रिड क्या करता है, वैक्यूम ट्यूब के अंदर उसकी इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है. ठीक है. इफ द कंट्रोल ग्रिड हैव हाई नेगेटिव वोल्टेज, इट अलाउ ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन टू पास थ्रू इट. अगर हाई इलेक्ट्रॉन, हाई नेगेटिव वोल्टेज उस पर होगी कंट्रोल ग्रिड पे, तो बहुत कम ही इलेक्ट्रॉन उसके थ्रू पास होंगे. ठीक है. दस द डिम स्पॉट इज प्रोड्यूस ऑन द लाइटनिंग स्क्रीन, इसकी वजह से एक डिम स्पॉट बनेगा. ठीक है. इफ द नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द कंट्रोल ग्रिड इज लो, अगर नेगेटिव पोटेंशियल कंट्रोल ग्रिड पे लो होगा, तो जो हमारा स्पॉट होगा कैसा होगा, वो ब्राइट होगा. वो यहां पर हमने लिखा है. After moving the control grid, the electron beam pass through the focusing and accelerating anodes. ये मैंने आपको बता दिया. The accelerating anodes are at high positive potential and hence they converge the beam at the point of the screen. After moving from the accelerating anode, the beam comes under the effect of deflecting plates. When the deflecting plates is at zero potential, the beam produce a spot at the center. यानी कि अगर deflecting plates पे कोई भी potential नहीं है, कोई भी signal apply नहीं है, तो क्या होगा, screen पे क्या बनेगा, एक spot बनेगा. If the voltage is applied to the vertical deflection plates, the electron beam focus at the upward, and when the voltage is applied horizontally, the spot of the light will deflect horizontally. ठीक है. तो इस तरीके से जैसे हम हॉरिजॉन्टल और डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे, उस तरीके से हमारा जो स्पॉट है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मूवमेंट अपना शो करेगा. थैंक यू.